नमस्कार, मैं विकास कुमार। खनन विभाग और मनिहारी अंचल कार्यालय ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एक तरफ खनन विभाग ने कुल 13 ट्रकों को जब्त किया है, वहीं दूसरी तरफ मनिहारी के सीआई ने एक मालवाहक जहाज को ट्रकों के साथ जब्त किया है। सिर्फ जब्त ही नहीं किया, बल्कि उस पर सवार दो संचालक को गिरफ्तार भी किया और उसके बयान पर गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव और लेसी धारक अवध सहनी पर एफआईआर भी दर्ज कराया। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। कटिहार के डीएम कमल तनुज के निर्देश पर कटिहार के मनिहारी में खनन विभाग और मनिहारी अंचल के सीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एक तरफ खनन विभाग ने पत्थर से लदे कुल 13 ट्रकों को जब्त किया, वहीं दूसरी तरफ मनिहारी अंचल के सीआई सुनील कुमार झा ने एक मालवाहक जहाज को 10 ट्रकों के साथ जब्त कर लिया। मालवाहक जहाज पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। टाइम्स न्यूज ने मनिहारी साहेबगंज के बीच मालवाहक जहाजों के परिचालन में गड़बड़ झाले की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसके बाद हुई कार्रवाई में 10 ट्रकों के साथ एक मालवाहक जहाज को मनिहारी अंचल के सीआई सुनील कुमार झा ने जब्त कर मनिहारी थाने में अवैध परिचालन को लेकर मामला दर्ज कराया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव और लेसी धारक अवध सहनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये तो बात हुई प्रशासन द्वारा जल माफिया पर चले डंडे की। अब बात करते हैं अधिकारी माफिया गठजोड़ की। टाइम्स न्यूज ने पहले ही दिखाया था कि नियमों को ताक पर रखकर मनिहारी से 3 किलोमीटर दूर बगमारा में एक नया घाट बना दिया गया है और अधिकारी देखते रहे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस नए घाट को बनाने के लिए प्रशासन ने इसकी अनुमति दी थी? अगर नहीं दी थी तो प्रशासन ने इसे रोका क्यों नहीं? स्थानीय सूत्र कहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के मिलीभगत से मनिहारी से 3 किलोमीटर दूर बगमारा में एक नया घाट बना दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक की हुई कार्रवाई में बगमारा घाट पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है। टाइम्स न्यूज मनिहारी के बागमारा में नया घाट बनाए जाने की पड़ताल में मनिहारी के घाट संचालक सुजीत कुमार से बात की तो पता चला कि गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव ने ही नियमों को ताक पर रखकर मनिहारी घाट से 3 किलोमीटर दूर बगमारा में अपना निजी घाट बना लिया है। जरा आप भी सुनिए क्या कहा मनिहारी के घाट संचालक सुजीत कुमार ने टाइम्स न्यूज से। ये बगमारा में जो घाट बनाया है वो किसने बनाया है? विधायक जी के बनाया। जी विधायक जी के बनाया। कौन विधायक जी? मनोहर सिंह। कौन विधायक जी का घाट है? नहीं, हमको नहीं पता कौन विधायक जी का घाट है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे थे। संजय जी का है। अच्छा, संजय यादव पूर्व विधायक जो वहाँ के थे, बांका या गुड्डा, कहाँ के थे वो? गुड्डा के। गुड्डा के, अच्छा उनका विधायक। ये बगमारा में जो घाट बनाया वो किसने बनाया है? विधायक जी के बनाया। जी विधायक जी के बनाया। कौन विधायक जी? मनोहर सिंह। कौन विधायक जी का घाट है? नहीं, हमको नहीं पता कौन विधायक जी का घाट है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे थे। संजय जी का है। अच्छा, संजय यादव पूर्व विधायक जो वहाँ के थे, बांका या गुड्डा, कहाँ के थे वो? गुड्डा के। गुड्डा के, अच्छा उनका विधायक। मनिहारी के घाट संचालक सुजीत कुमार की बातों से दो बातें बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट हो गईं कि एक तो मनिहारी के बगमारा में नया घाट बनाया गया है और दूसरा कि इस घाट का निर्माण गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव ने करवाया है। अब जब दोनों बातें क्लियर हैं तो क्या प्रशासन मनिहारी के बागमारा घाट पर कार्रवाई करेगी?
आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या कोई भी बस यूं ही मनिहारी में कहीं भी अपना निजी घाट बना सकता है और निजी मालवाहक जहाजों का परिचालन कर सकता है? निश्चित तौर पर इसका जवाब मनिहारी के स्थानीय प्रशासन को, लोगों को देना चाहिए। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। सवाल सबसे बड़ा यह बनता है कि जब मनिहारी से 3 किलोमीटर दूर बाघमारा में नया घाट बनाया जा रहा था तो प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय मनिहारी के प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे थे? यह एक बड़ा सवाल है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।